वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर लवर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक तुझमें जान है। यार तिरंगे को देखकर ना एक ऐसी फीलिंग आती है, मतलब मुझे तो पर्सनली ऐसी आती है अलग सी, मतलब ये जब तिरंगे को लहराता हुआ देखा जाता है तो अलग से एक रोंगटे से खड़े नहीं होते हैं। अब अगर आप लोग पर्टिकुलर उसको फील करने की कोशिश करो, ठीक है, सोचो कि कोई तिरंगा अगर लेकर इस तरीके से चल रहा है और उस इंसान की जगह पर आप हो तो कैसा फील होगा आप लोगों को। तो ये वाला मूवमेंट फील करने की कोशिश किया करो तो आप लोगों को अंदर से एनर्जी आएगी। और यार एक बात बताऊं आप लोगों को, एक चीज आप लोग और फील कर सकते हो, आप लोग देखना जब आप लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाओगे तो आप लोगों को मौका मिला करेगा झंडा फहराने का, ठीक है, तो वो चीज भी आप लोग फील कर सकते हो। आप लोगों को एक तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि हाँ भाई साहब डीएम आएंगे और यहाँ पर झंडा फहराएंगे, तो वो वाली चीजें फील करो अंदर से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को अंदर से मोटिवेट रखेंगी अपना काम करने के लिए, आप लोगों को सही डायरेक्शन में लेकर चलेंगी। और यही तो छोटी छोटी बातें होती हैं यार जो हमेशा आप लोगों को मोटिवेशन का एक सोर्स बनकर आप लोगों के सामने आती हैं। पर लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है यार, अगर आप लोग देखोगे इन सब चीजों में फीलिंग अटैच आप लोगों को करनी पड़ेगी, यानी कि आप लोगों को उसके लिए फीलिंग आनी चाहिए। ये नहीं कि बस आईएएस बन रहे हैं अपनी पॉकेट भरेंगे और उन सब चीजों के लिए, तो कभी आप लोग अपने एग्जाम को उस डेडिकेशन के साथ में देख ही नहीं पाओगे, आप लोगों को हमेशा अलग अलग चीजें नजर आएंगी यहाँ पर। लेकिन अगर ये वाला फंडा आप लोग देखोगे तो तब आप लोगों को मजा आएगा देखने में भी और उस काम को करने में भी, ठीक है। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, मॉर्निंग में जो यहाँ पर परेड आएगी उसको आप लोग जरूर देखेगा, जो यहाँ पर डीडी जो नेशन है उस पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो प्रॉपर पूरी परेड को अच्छे से देखेगा। और खासकर जिस राज्य से आप लोग आते हैं उसकी झांकी आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो झांकी के ऊपर जरूर ध्यान रखिएगा किस तरीके की झांकी आप लोगों के राज्य में बनाई गई है। और एक क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछूंगा, झांकी जो यहाँ पर बनाई जाती है और उनको अप्रूवल किया जाता है, और ये पूरा जो गणतंत्र दिवस है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। मैंने मॉर्निंग में ही हिंदू वाली वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था, आई होप कि आप लोगों ने चीजों को अच्छे से सुना होगा। ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें तो हैं जो आगे याद रहती है। और बाकी आज है 25 जनवरी कंप्लीट हो चुकी है, तो कैसे रहे आप लोग इस साल के ये 25 दिन और कैसे आप लोग आगे लेकर चलना चाहते हैं 26वें दिन को, तो इसके बारे में आप लोग जरूर बताना कितने प्रतिशत आज का टारगेट आप लोगों ने अचीव किया। रेगुलर लिखते रहना है, क्योंकि कई सारे बच्चे बोलेंगे कि सर लिखते हुए एक तरीके से बोरियत फील हो रही है, और कई सारे बच्चे बोलेंगे सर लिखते हुए एनर्जी फील हो रही है। तो देखो जिनको बोरियत फील हो रही है इसका मतलब वो प्रॉपर वे में अपने काम को कर ही नहीं रहे हैं, और जिनको एनर्जी फील हो रही है इसका मतलब वो शानदार तरीके से अपने काम को लेकर चल रहे हैं। अब आप लोग कौन सी कैटेगरी में अपने आप को रखना चाहते हैं, तो बिल्कुल वही बात होगी कि यार डेली वीडियो रिकॉर्ड करने में बोरियत फील होती है, लगता है आप लोगों को लेक्चर के अंदर मुझे बोरियत फील हो रही है। बताइए अगर लगता हो कि हाँ आज तो बोरियत फील हो रही है सर को लेक्चर रिकॉर्ड करने में, ठीक है, इवन नींद आते आते भी मैं पढ़ा सकता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये आज से कोशिश करोगे किसी भी काम को उतने शानदार तरीके से करो कि आप लोगों को अंदर से बोरियत ही फील ना हो, तो तभी आप लोग चीजों को अच्छे लेवल पर एंजॉय कर पाओगे। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले एक ओवरव्यू में देना चाहूंगा लेक्चर का क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। और फिर से यहाँ पर कई सारे बच्चे जो है मॉर्निंग में उठना स्टार्ट कर चुके हैं, उनके द्वारा एक तरीके से एक बात मुझे लिखी गई एक बच्चे के द्वारा, उसने बोला कि सर काफी अच्छा लगा वो रियलिटी में, मुझे हर टचिंग बात लगी, थोड़ा सा टाइम लूंगा एक मिनट उसके लिए, सॉरी यार कई बार मैं एक्स्ट्रा बातें कर देता हूँ। तो वो बात ये थी कि एक बच्चे के द्वारा जब मेल किया गया उसमें एक बड़ी ही प्यारी बात लिखी गई कि सर ओनली एक काम की वजह से, वो है सुबह उठने का, मेरी रेस्पेक्ट जो है मेरे मम्मी पापा की नजरों में बढ़ गई है। यानी कि पहले मुझे सब सुनाते रहते थे कि उठता नहीं है, कभी कुछ नहीं करेगा, पर लेकिन जब से मैंने सुबह उठना स्टार्ट किया है, सुबह उठकर अपनी एक्सरसाइज करता हूँ, आपका लेक्चर देखता हूँ सर, अपने पैटर्न को फॉलो करता हूँ, घर में मेरी एक इज्जत बन गई है सर, सर इसके लिए दिल से धन्यवाद। तो यार देखो ये चीज लगती नहीं है फील करने वाली, आप लोग पेरेंट्स आप लोग की रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट कर रहे हो, उनको लग रहा है कि बच्चा सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो यार यही तो चीजें होती हैं जो आप लोगों को काम करने के लिए एक तरीके से मजबूती देती हैं और आप लोगों को एक सही डायरेक्शन लेकर चलती हैं। तो ये छोटी छोटी सी रेस्पेक्ट जब आप लोगों को मिलने लगेगी ना अपने काम को लेकर, तो यही आप लोगों को हमेशा अपना काम करने के लिए तत्पर बनाए रखेंगी। तो ये रियलिटी मुझे हर टचिंग लगी यार, और इसी के लिए सैल्यूट है डियर, जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ को चेंज किया। वो बंदा जो है कभी भी 8:30 से पहले नहीं उठता था, ठीक है, और वो एग्जैक्ट 5:30 बजे करीब उठ जाता है डेली, ठीक है, 5:30 से 6 के बीच में उठ जाते हैं और वीडियो के लिए तैयार रहता है 6:30 बजे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग भी अपने लिए इसी तरीके से एक पैटर्न नोट डाउन कर सकते हैं
और इससे क्या रहेगा, मॉर्निंग के टाइम को ढंग से आप लोग यूटिलाइज भी कर पाएंगे, जब दुनिया सो रही होगी आधा काम आप लोग निपटा चुके होंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग ये बात समझेंगे। तो आइए आज का क्विज पहले देखते हैं। क्विज क्या, बस एक तरीके से ओवरव्यू रहता है लेक्चर का, क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले। इंडिया और यूके के रिलेशन के बारे में काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, कैसे आगे आने वाले टाइम में हम लोग मिलकर काम करेंगे तो समझेंगे इसके बारे में। NABI क्या है यहाँ पर, ये भी बेसिकली फूड और एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। बेसिकली यहाँ पर हमारी कंट्री में कैसे हम लोग आज के टाइम में इतनी सारी पॉपुलेशन है उसको अच्छा खाना प्रोवाइड करा सकते हैं, कई सारी बातें हम लोग समझेंगे। ठीक है, इंडिया और कौन सी कंट्री है जिसके बीच में एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी, तीन एक्सरसाइज के नाम है। एयरफोर्स के बारे में बात की जा रही है, नेवी के बारे में बात की जा रही है और आर्मी के। एयरफोर्स के एक्सरसाइज का नाम है इंद्रधनुष, नेवी के एक्सरसाइज का नाम है कोंकण और आर्मी के एक्सरसाइज का नाम है अजय वॉरियर। तो किस कंट्री के साथ में ये एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलती है हमारे देश की, ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने। टाइगर कंजर्वेशन जो है अभी उसकी यहाँ पर फोर्थ एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आप लोगों को देखने को मिली, तो ये यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराई गई, कहाँ पर, किस कंट्री के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया ये आप लोगों को बताना है। टाइगर कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में बात करें तो हमारी कंट्री में एक एक्ट है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि मैंने कई बार आप लोगों को बताया, ये आप लोगों को बताना है किस साल का है ये। इसी के साथ में इस एक्ट में कौन से शेड्यूल के अंदर टाइगर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई गई है ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में अगर मोटे मोटे तौर पर एक तुक्का मरवाऊंगा आप लोगों से यहां से, ठीक है, तुक्का मारिएगा आप लोग, देखता हूँ किस किस का सही तुक्का लगता है। हमारे देश में टाइगर की जो संख्या है वो कितनी प्रतिशत है ऑल ओवर वर्ल्ड की, आप लोगों को बताना है यहाँ पर 60%, 70%, 80% या फिर 85%। ठीक है, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड की कितने प्रतिशत हमारी कंट्री में टाइगर की संख्या आप लोगों को देखने को मिलेगी, यह है क्वेश्चन। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड एक स्कीम थी, किस मिनिस्ट्री के द्वारा आप लोगों को देखने को मिलती है, उसको मैनेज किया था, और इसी के साथ में आप लोगों को यह भी बताना है कि कब इसको लॉन्च किया गया था, ये तो आप लोगों को याद ही होगा, हालांकि पर दो क्वेश्चन हो गए इसी के अंदर बताएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी यहां पर एक पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में बात की गई कि जो ड्यूटर है उसको इक्वल राइट होना चाहिए फादर की प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो इसको HSA बेसिकली आप लोगों को हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में बात की जा रही है, तो कब का है ये एक्ट ये आप लोगों को बताना है, डिटेल में डिस्कस करूंगा, कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। GIDM और इसी के साथ में प्रोफेसर जो विनोद शर्मा है, ठीक है, तो फाउंडर कोऑर्डिनेटर जो कि यहां पर नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इनको सेलेक्ट किया गया सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022। ठीक है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में काफी सारा काम इनके द्वारा किया गया, तो यहां पर ये बताना है आप लोगों को कि ये पर्टिकुलर GIDM क्या है इसके बारे में आप लोग बताइए, और इंस्टीट्यूशन को कितना पैसा मिलता है और इंडिविजुअल को कितना पैसा मिलता है ये भी आप लोगों को बताना है, क्योंकि ये भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो काफी शानदार, काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप लोगों को इतना कुछ जानने को मिलेगा कि आप लोग बोलोगे कि मतलब मजा आ गया, ठीक है, चक्षु खुल गए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात करेंगे। एक तो इंपॉर्टेंट मैं डे आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, तो उसके बारे में तो बात ही करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सब जानते हैं उसके बारे में। हमारी कंट्री में हमारा संविधान जो है वो हम लोगों ने अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950 में पूरा संविधान, कुछ बचा कुछ जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने कुछ पोर्शन जो था हम लोगों ने 26 नवंबर को अडॉप्ट कर लिया था जो कि 1949 में, पर लेकिन कंप्लीट जो था वो 26 जनवरी 1950 में हम लोगों ने अपना संविधान अडॉप्ट किया था। इसी के चलते हम लोग गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है वो गणतंत्र बना था, ठीक है, जिसको आप लोग रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो इसके बारे में कुछ बातें याद रखिएगा। बाकी यहां पर बात करते हैं इंटरनेशनल कस्टम डे के बारे में, तो ये इंटरनेशनल कस्टम डे है, ये भी 26 जनवरी को सेलिब्रेट यहां पर किया गया है। कस्टम जो होता है बेसिकली फंडा, अगर आजकल में कुछ सामान आप लोग देश के बाहर ले जाना चाहते हैं बेचने के लिए और कुछ खरीद कर लेकर आते हैं, तो कस्टम ड्यूटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो ये सारा काम जो होता है वो कस्टम ऑफिसर का बेसिकली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो यहां पर इंटरनेशनल कस्टम्स डे के बारे में बात की जा रही है। तो रिकॉग्नाइज किया जाता है कि जो कस्टम ऑफिसर हैं या फिर जो एजेंसीज हैं जो बॉर्डर की सिक्योरिटी में काम करती हैं वो कैसे अपना रोल प्ले करती हैं। हर एक इंसान का कोई ना कोई रोल होता है, आप लोग घर में भी अगर देखोगे हर एक इंसान अपना अपना काम कर रहा है, कुछ ना कुछ रोल मिला हुआ है, मम्मी अपना काम कर रही है, पापा अपना काम कर रहे हैं, भैया या फिर घर में सिस्टर कोई अपना काम कर रहे हैं, तो अगर उनको ढंग से आप लोग रिकॉग्नाइज करोगे तो आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। ऐसे ही आप लोगों को देखने को मिलेगा देश भी चलता है, ऐसे ही हर एक इंसान अपना काम कर रहा है, कोई यहां पर सिक्योरिटी का काम कर रहा है, कोई पढ़ाने का काम कर रहा है, कोई डॉक्टर का काम कर रहा है, कोई वकील का काम कर रहा है, कोई मैकेनिक्स का काम कर रहा है, कोई वॉशरमैन का काम कर रहा है, कोई मोची का काम कर रहा है, तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो हर एक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी अच्छे से निभा रहा है, और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जब वो ढंग से निभाता है उसको सैल्यूट करने का मन करता है। और यहीं पर एक कोटेशन याद आती है जो आप लोग को कई बार मैं बोलता हूं, डोंट पोल्यूट योर ड्यूटी, इफ यू विल पोल्यूट योर ड्यूटी यू विल सैल्यूट एवरीवन, इफ यू विल नॉट पोल्यूट योर ड्यूटी एवरीवन विल सैल्यूट यू। तो APJ अब्दुल कलाम सर जी के द्वारा ये बात बोली जाती है,
कि अपनी ड्यूटी की इज्जत करो तो दुनिया आप लोगों को सैल्यूट करेगी, पर अपनी ड्यूटी को पोल्यूट करोगे तो आप लोगों को सबको सैल्यूट करना पड़ेगा। तो ये बात आप लोग जरूर याद रखेगा। वर्किंग कंडीशन, जो भी चैलेंज देखने को मिलते हैं कस्टम ऑफिसर को तो वो फेस करते हैं, तो उनके बारे में बेसिकली यहां पर चीजों को याद करने की कोशिश की जाती है। अभी थीम क्या है, थीम का मतलब क्या होता है, थीम का मतलब होता है कि इस साल किस एरिया को सुधारने वाले हैं। जैसे आप लोग बोले ना, इस साल जो है पूरा हम लोग फोकस करेंगे कि अपनी हेल्थ को अच्छी हेल्थ बनाएंगे, अपनी अपनी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे, खासकर पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्या हो गया, ये आप लोग की साल की थीम हो गई। जैसे बोलते हैं ना, आप लोगों ने रिजोल्यूशन लिया नए साल पर, तो आप लोगों का रिजोल्यूशन क्या था, कितने आप में से ऐसे जो अपना रिजोल्यूशन फॉलो कर रहे हैं और कितनों के रिजोल्यूशन टूट चुके हैं, अभी ये भी आप लोग बता सकते हैं। और टूट गया तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर जाकर उन्हें कहते हैं कि फिर से जाकर आप लोग नाले में लेट जाओ कि यार अब तो नाले में गिर गए, छिड़ लग गई तो नाले में लेट पेट हो जाना, ऐसे थोड़ी ना होता है। मतलब ये आप लोगों के पास में 15,000 रुपए हैं, 1,000 रुपए गुम हो गए तो आप लोग 14,000 रुपए और फेंक दोगे कि यार 1,000 रुपए गुम हो गए, ऐसा नहीं करना होता है। जो टाइम वेस्ट हो गया उसको छोड़ो, अब आगे जो टाइम बचा है फिर से उसको फॉलो करने स्टार्ट कर दो। तो ये होता है जिंदगी जीने का तरीका। तो कस्टम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बाई एम्ब्रेसिंग ए डेटा कल्चर, इसी के साथ में बिल्डिंग ए डेटा सिस्टम। तो ये बेसिक पर्पज है यहाँ पर कि कैसे हम लोग को ट्रांसफॉर्म करना है डेटा कल्चर को, और कैसे एक सिस्टम तैयार करना है जो कि यहाँ पर एक अच्छा इकोसिस्टम हो डेटा को लेकर, ठीक है। क्योंकि आने वाले टाइम में डेटा को एक नया ऑयल बताया गया है। डेटा मतलब जैसे कि आज की डेट में पता है कितने सारे लोग जो है वो एजुकेशन ले रहे हैं, कितने सारे लोग भुखमरी का शिकार है, कितने सारे लोग जो है ऐसे, कितनी सारी महिलाएं प्रेग्नेंट है, कितने सारे बच्चे जो है प्रॉब्लम है, कितने सारे लोग जो है बेरोजगार है, कितने सारे किसान जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं, कितने सारे जो लोग हैं आज के डेट में वो सोलर सिस्टम यूज कर रहे हैं, कितने सारे लोग जो है वो आज के डेट में कौन सा जो व्यापार कर रहे हैं। तो ये सारा डेटा अगर गवर्नमेंट के पास में होगा तो उनके लिए पॉलिसीज बना पाएगी और ढंग से चीजों को लेकर चल पाएगी। तो डेटा के बारे में पता है कितने सारे लोग आज के डेट में कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो इसीलिए कंपनी जो है उसका एक एनालिसिस करती है डेटा का और फिर उसके बेस पर मार्केट में वही प्रोडक्ट उतार देती है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ये आप लोगों के लिए इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट होगा और जीएस पेपर 2 में आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं। इंडिया और यूके के रिलेशन के बारे में मैं यहां पर आप लोगों से बात करने वाला हूं। अभी बात क्या क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और इसी के साथ में अपना फीडबैक जरूर दिया करो, आप लोग वीडियो को लाइक कर बता सकते हो और या फिर आप लोग कमेंट कर बता सकते हो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है। एक सेकंड लगेगी फीडबैक देने से, मुझे पता चलता रहता है वीडियो कैसी चल रही है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर जो वो आप लोगों की जो वीडियो थी जिस पे प्रतिबंध लगा करते थे वो बंद हो गया। बंद नहीं हुआ यार, बेसिकली जिस दिन आप लोग चीजों को अच्छे से सपोर्ट कर देते हो तो कम हो जाती है चीजें, वरना फिर होने लगती है। बस मैंने शेयर करना बंद कर दिया क्योंकि जो कर रहा है तो वो कर ही रहा है, डेली डेली मुझे बोलना अच्छा नहीं लगा, वरना मैं आप लोगों के साथ मेल शेयर करूंगा तो आप लोगों का सर चकरा जाएगा। हर दूसरी तीसरी वीडियो पर मुझे वो रिस्ट्रिक्शन मिलती है, ठीक है। पर वही है, मैंने सोचा क्यों फालतू में आप लोगों को परेशान करो, आप लोग पढ़ते रहिए, जिसको लगता है करनी है तो आप लोग कर दिया करो लाइक वगैरह, उसको शेयर वगैरह, फिर कमेंट वगैरह, उसे कह रहा है थोड़ा सा एक सपोर्ट बना रहता है उससे, यूट्यूब के पास फीडबैक पहुंच जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, पीछे सुधरा था जब आप लोगों ने काफी अच्छे सपोर्ट किया उसको, लेकिन वही है फिर कम हो जाती है चीजें तो आप लोगों को भी याद नहीं रहता है कई बार, तो उसकी वजह से फिर छुट जाती है। चलो कोई नहीं यार, पढ़ाई फोकस करो, वो चलती रहती है। थोड़ा सा लेख लगा करो अगर लगता है आप लोगों को तो कर दिया करो, वरना तो चल रहा है सब, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, एक पर्टिकुलर आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इंडिया और यूके के रिलेशन के बारे में। सबसे पहले तो अगर यूके को मैप में देखना हो तो यह अपनी प्यारी कंट्री, यहां से अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर आप लोगों को यूके नजर आएगा। ये है यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये वही यूके जिसने हमारे ऊपर लगभग 200 साल तक रूल किया है। तो उसी के बारे में, उसके रिलेशन हम लोग अपने देश के साथ में समझेंगे। और पीआईबी जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट का सोर्स है और गवर्नमेंट के एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसी में जो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है, तो उसी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। यानी कि बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह के द्वारा, उनके द्वारा एड्रेस किया गया इंडिया और यूके की मीटिंग को। तो सस्टेनिंग फूड जो प्रोडक्शन है अंडर एनवायरमेंट स्ट्रेस, यानी कि देखिए आप लोग आज के दिन कुछ भी उगा रहे हैं ना अपने खेतों में तो आप लोगों को एनवायरमेंट का भी ध्यान रखकर यहां पर चलना चाहिए, ठीक है। तो कैसे उसको लेकर चलना है, म्यूचुअल कैसे फूड सिक्योरिटी और भुखमरी को मिटाने के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, तो दोनों के द्वारा मिलकर कई सारे एरिया में काम करने की बात की जा रही है। एग्रीकल्चर हो गया, मेडिसिन हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, डिफेंस हो गया। तो ये सारे मुद्दे बेसिकली अगर किसी कंट्री के साथ में रिलेशन के बारे में आप लोगों को कुछ लिखने के लिए आता है तो ये वो सारे एरिया हैं जिनको आप लोग वहां पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। देखिए आप लोगों ना ऐसा नहीं कि हर एक कंट्री के साथ में रिलेशन को रटना है, आप लोगों को बेसिकली एक फ्रेमवर्क बना लेना है कि डिफेंस के बारे में बात करनी है, इकोनॉमी के बारे में बात करनी है, इसी के साथ में आप लोगों को पॉलिटी के बारे में बात करनी है, कल्चर के बारे में बात करनी है। तो ये सारी चीजें एक बार को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दिया तो फिर चीजों को आप लोग समझने लगोगे, ठीक है। तो बेसिक चीजों को समझो, उसके बाद में चीजें चलनी स्टार्ट हो जाती है। तो इंडिया और यूके की मीट हुई यहां पर, उसमें बेसिकली सस्टेनिंग फूड प्रोडक्शन, इसी के साथ में एनवायरमेंट स्ट्रेस के बारे में बात की, यानी कि कैसे एनवायरमेंट के स्ट्रेस को ध्यान में रखते हुए अपना फूड प्रोडक्शन को आगे लेकर चले, और यहां पर खासकर फूड सिक्योरिटी और जो जीरो हंगर है उसके बारे में हम लोग काम कर रहे हैं। और आप लोगों को पता है जब हम लोग जीरो हंगर के बारे में बात करते हैं
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पहला ही जो गोल है यहाँ पर वो बात करते हैं भूख किस तरीके से हम लोग को गरीबी मिटानी है, और दूसरा ही गोल यहाँ पर बात करते हैं कि जीरो हंगर के बारे में। तो गोल नंबर सेकंड के ऊपर फोकस करने की बात की गई है इंडिया और यूके के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, इंडिया और जो यूके है यहाँ पर वो ग्लोबल कोलैबोरेशन में काम करें एक दूसरे के साथ मिलकर, जो मैंने अभी बताया यहाँ पर एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, फूड में, फार्मा में, इंजीनियरिंग में, डिफेंस में, तो ये वो एरिया है सारे जिनमें चहुमुखी विकास होने वाला है और दोनों कंट्री मिलकर काम करने वाली है। तो दोनों कंट्री जब मिलकर काम करेंगे तो कई सारे प्रोग्राम और भी देखने को मिलेंगे, जैसे बेसिक रिसर्च पर फोकस करेंगे, स्टूडेंट का भी एक्सचेंज होगा, हमारे देश के बच्चे वहां पढ़ने जाएंगे, वहां के यहाँ पर आएंगे, चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा, इसके चलते यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, तो ज्वाइंट कोलैबोरेशन होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कोई पर्टिकुलर पर्सन बोलने लगे चलो यार ये काम करते हैं मिलकर, तो उसमें चलो इकट्ठा कर लेते हैं यार ऐसा ऐसा ना 700-700 रुपए देंगे, बस उन्हें देखा नहीं होगा आप लोगों ने कि चलो स्टंप लेकर आते हैं, बैट लेकर आते हैं, गेंद लेकर आते हैं, तो चलो यार सब ना 10-10 रुपए डालेंगे, तो वही वाली बेसिकली चीज देखने को मिलेगी। तो मिलकर काम किया जाएगा तो उसके बेस पर फिर आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा। इशू क्या है यहाँ पर आज की डेट में बेसिकली जो काफी बड़ा मुद्दा बन गया है वो है एरिएबल लैंड। एरिएबल लैंड यानी कि जो एग्रीकल्चर करने लायक लैंड होती है, जिस जमीन पर एग्रीकल्चर की जाती है आज की डेट में वो श्रिंक हो रही है। श्रिंक मतलब सुकड़ रही है, यानी कि मतलब खत्म हो रही है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कहीं पर आप लोग बिल्डिंग बना रहे हो, कहीं पर आप लोग बांध बना रहे हो, कहीं पर आप लोग रेलवे ट्रैक बना दिया, कहीं पर आप लोगों ने रोड बना दी, कहीं पर आप लोगों ने स्कूल खोल दिया, कहीं पर आप लोगों ने यहाँ पर हॉस्पिटल बना दिया, और कोई यहाँ पर फैक्ट्री बनाकर बैठ गया। वो जमीन जो कि यहाँ पर आज के डेट में एग्रीकल्चर के लिए यूज की जाती थी, बहुत सारे लोगों ने घर भी बना लिए वहां पर, ठीक है। तो इससे समझ सकते हैं कि एक तरीके से पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, हमारे खुद की देश की पॉपुलेशन पता है कितनी है, 138 करोड़ है, ठीक है। अब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है पर लेकिन जो जमीन है हमारे पास वो तो इतनी की इतनी रहनी है, वो थोड़ी ना बढ़ जाएगी, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर बेसिकली जमीन की संख्या घटती जा रही है, मतलब एरिया घटता जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पर, और जनता बढ़ती जा रही है, तो इसलिए फूड को लेकर भी चिंता होने लगी है। तो सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन साउथ एशियन रीजन के लिए, इसके चलते देखा गया कि जमीन अभी सिरक रही है। जब मैं शब्द यूज करता हूँ साउथ एशिया तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, ये कंट्री आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो साउथ एशिया शब्द को जानते ही आप लोगों के माइंड में बेसिकली मैप आ जाना चाहिए कि किस एरिया के बारे में बात की जा रही है। तो ग्लोबल जो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज आज के आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो कई सारे मुद्दों पर यहाँ पर उसको एड्रेस करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा तो यहाँ पर यही है कि बोला यह गया कि एरियेबल यानी कि एग्रीकल्चर करने लायक जो लैंड थी वो अभी घटती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 1970 से लेके अब तक यहाँ पर वो फिक्स थी, पर लेकिन अभी आकर यहाँ पर ये घटना स्टार्ट हो गई है, यानी कि डिक्लाइन हो गई है। और बेसिक रीजन क्या है, डेवलपमेंट के काम काफी ज्यादा हमारे बढ़ने स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब मैं आप लोगों से बात करूं कि मैंने यहाँ पर पिक्चर डाल रखी है सस्टेनेबल फूड साइकिल के बारे में। सस्टेनेबल फूड साइकिल का मतलब होता है क्या, ठीक है। आप लोगों को प्रोडक्शन करना है, आप लोग पहले तो उगाना पड़ेगा आप लोगों को, जो भी आप लोगों ने खेतों में काम कर चीजों को उगाया, यानी कि गेहूं उगा लिया मान लीजिए आप लोगों ने, ठीक है, टमाटर उगा लिया, आलू उगा लिए, तो ये पहले गन्ना उगा लिया खेतों में काम किया, ठीक है। तो प्रोडक्शन करना पड़ेगा, फिर प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी इसकी, मान लीजिए गेहूं उगा लिए तो उसकी ब्रेड बना दिए, टमाटर उगा लिए उसका आप लोगों ने टमाटर सॉस बना दिया, आलू उगा लिए उसके आप लोगों ने जो भी चिप्स वगैरह जो भी आप लोग बेचते हैं मार्केट में ले जाके वो सब बना लिए, तो प्रोसेसिंग कर दी। प्रोसेसिंग करने के बाद फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया गया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो डिस्ट्रीब्यूशन करना फिर यहाँ पर ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक प्रॉपर प्रक्रिया होती है, एक तरह सर्विस प्रोवाइड कराने वाली बात आ गई, तब जाकर आप लोग उसको कंज्यूम करोगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो वेस्ट होता है कई बार निकल कर आता है, जो बच जाता है तो उसको आप लोग रिसाइकिल करते हो। तो ये पूरा एक प्रोसेसिंग की एक चक्कर चलता है, तो नहीं कहते कि पूरा चक्कर घूमता है, तो ये पूरा चक्कर आप लोग याद रखिएगा। कुछ लिखने के लिए आ जाए सस्टेनेबल फूड साइकिल के बारे में, तो ये पांच पॉइंट अगर आप लोग वहां पर मेंशन कर दोगे तो इंसान जो चेक करने वाला होगा वो समझ जाएगा कि पता है इंसान को, ठीक है। तो ये पांच पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, अगर सस्टेनेबल फूड साइकिल के बारे में लिखने के लिए आ जाए तो पांचों के पांचों मेंशन कर देना, तो आप लोगों की नैया जो है वो पार लग जाएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इसी एक ही स्लाइड के अंदर दो चीजें आप लोगों को देखने को मिल गई है, ठीक है। तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और हाँ, एक और छोटी सी बात यार याद आ गई, फिर अब मैं भूल जाऊंगा, एक बार बता देता हूँ। आप में से एक एस एल बी फैमिली मेंबर के द्वारा यहाँ पर ये दिसंबर मंथ की मैगजीन यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है, ठीक है। ये मंथ की मैगजीन जो है इसको अलग अलग सेपरेट कर दिया, अगर आप लोग इसको जाकर देखोगे तो आप लोगों को चीजें सारी समझ में आ जाएगी। इसमें सारे पोर्शन इनके द्वारा अलग अलग कर दिए गए हैं, अलग अलग मतलब आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर कि जैसे कि अगर बात करें तो जैसे पॉलिटी अलग हो गया, इकोनॉमी अलग हो गया, इंपोर्टेंट जो भी जो हिस्ट्री के जो इंसिडेंट थे वो अलग हो गए, तो इसको डिवाइड कर दिया, और वो भी ऐसी एक साइज में हो गई जैसे कि A4 साइज की सीट नहीं होती है, तो इसको आराम से आप लोग प्रिंट कर सकते हो, फिर आप लोग रिविजन के लिए इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अच्छा लगा, काफी पहले भी यहाँ पर एक एसएलबी फैमिली मेंबर के द्वारा प्रोवाइड कराया गया था, अभी फिर से यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया, तो देखते हैं कंटिन्यू करते हैं नहीं करते हैं, फिर मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर कुछ काम किया जाए, ठीक है। तो देखते हैं ताकि आप लोगों को एक ऐसी पीडीएफ मिल जाए करे महीने की जो कि एक मैगजीन की फॉर्म में होगी, तो ये काफी अच्छा रहेगा। आई होप कि आप लोग इसको अप्रिशिएट करोगे, देखिएगा आप लोग इसको खोलकर कैसा लग रहा है आप लोगों को,
कई सारे बच्चे बोल भी रहे थे सर एक मैगजीन के फॉर्म में मिल जाते तो अच्छा रहता, तो इसके ऊपर काम करने स्टार्ट किया। बाकी देखते हैं आप लोगों का जैसा रेस्पॉन्स रहेगा उसके हिसाब से हम लोग काम कर लेंगे फिर, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेलीग्राम जाकर आप लोग ज्वाइन कर लेना, स्टडी लवर वीर के नाम से यहाँ पर टेलीग्राम है जहां पर आप लोग को मिल जाएगी। एक टेलीग्राम है स्टडी लवर वीर के नाम से जहां पर सारी चीजें मिलती है, यहाँ पर लगभग 1.5 लाख के करीब मेंबर जुड़े हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीजें। दूसरा वीर तालियान के नाम से आंसर राइटिंग का, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर चाहिए आप लोग को आंसर राइटिंग करना है डेली, ठीक है, तो उसमें आप लोग आंसर राइटिंग कर सकते हैं, 60,000 से ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं। और तीसरा यहाँ पर ये SLVpedia के नाम से टेलीग्राम है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को डेली नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ, खासकर डेली एक आर्टिकल भी पढ़ने के लिए देता हूँ, उसी के साथ में कुछ कोटेशंस रहती है आंसर राइटिंग में आप लोग यूज कर सकते हैं, तो ये एक अलग ग्रुप यहाँ पर आप लोगों के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तीन टेलीग्राम है अलग अलग, ताकि अलग अलग चीजें अलग अलग रहें, खोजने में आप लोग को आसानी रहे। ओके, आगे चलते हैं, एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूंगा, इसके बारे में बात करते हैं, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ जो न्यूट्रिशनल फूड है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो न्यूट्रिशनल फूड की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर हमारी कंट्री में NABI यानी कि नेशनल एग्री जो फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पर काम करता है, बेसिकली यहाँ पर एक प्रेरणा जो प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ऐसे ऐसे शब्द कई बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि वोकैबुलरी भी आप लोगों की स्ट्रॉन्ग होती रहे, ठीक है, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है इनको मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, तो इनको आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिए, ठीक है। तो इम्पेटस मतलब एक तरीके से प्रेरणा, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को प्रेरणा मिलती है कि कैसे जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हम लोग को सही तरीके से लेकर चलनी है, और वो भी उस टाइम पर जब क्लाइमेट चेंज है वो काफी नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है, तो ये इंस्टीट्यूट यहाँ पर उस टाइम पर प्रेरणा या फिर प्रोत्साहन दे रहा है इस काम को करने का, कि आगे हम लोग चीजों को अच्छे से लेकर चल सके। और यहाँ पर एग्री फूड और यहाँ पर न्यूट्रिशनल बायोटेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर एक तरीके से इंटरफेस में काम करेंगे, वर्क करेंगे, ताकि प्रीमियम तरीके से चीजों को लेकर चला जा सके। तो इसमें क्या किया जाएगा, ज्वाइंट फंडिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो भी चैलेंज है यहाँ पर, तो इंडिया और यूके जो है वो ज्वाइंट फंडिंग करेंगे, और जो भी यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए काम किया जाएगा उसके ऊपर काम करेंगे, यानी कि दिक्कत नहीं मिलनी चाहिए, दोनों कंट्री इस तरीके से काम करेंगे यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर फंडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, कोई भी बेसिक काम अगर आप लोग कर रहे हैं तो फंडिंग नहीं मिलेगी तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहां से होगा, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर चीजें आगे कहां से बढ़ेंगी। तो इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किसी भी प्रोग्राम के लिए फंडिंग की जरूरत होती है, तो इसी के लिए इंडिया और यूके के द्वारा यहां पर पार्टनरशिप की गई है ताकि इसमें फंडिंग की जा सके। और हमारा तो पुराना याराना है, उन्हें कहते हैं बहुत पुराना याराना है रे जैसे गब्बर का डायलॉग नहीं सोले मोए का, बहुत पुराना याराना लगता है रे दोनों के बीच में, तो यहां पर दोनों के बीच में आप लोगों को पता ही है बहुत पुराना याराना है भाई साहब, 200 साल तक हमारे ऊपर रूल किया है, तो याराना तो हो गई। और उसी याराना के चक्कर में हमारी कंट्री का बहुत बड़ा डायस्पोरा, डायस्पोरा मतलब हमारी कंट्री के लोग आज के में यूके में रहते हैं, इवन कई सारे तो पॉलिटिशियन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और अभी तो ये आशंका जताई जा रही है कि अभी हमारी कंट्री के मूल के एक पर्सन जो यहाँ पर इंफोसिस के जो चेयरमैन है ना, उनके जो दामाद अभी लगता है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं आने वाले टाइम में, तो ये और भी अच्छी खुशखबरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो देखते हैं अभी ये कंप्लीट होता है नहीं हो पाता है, अभी फिलहाल वो एक ब्रिज का काम करते हैं, एक पुल का काम करते हैं दोनों कंट्री के बीच में, ताकि दोनों कंट्री जो है वो मिलकर आगे बढ़ती रहे और सही डायरेक्शन में चीजों को लेकर चलती रहे। और वैसे भी ऐसा नहीं कि यही ब्रिज का काम करते हैं, हम और भी बहुत सके एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं G20 में दोनों कंट्री मिलकर काफी अच्छे से काम करती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर दोनों कंट्री काम कर रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, दोनों कंट्री मिलकर जो भी टैरिफ वगैरह होगा, जो भी टैक्स वगैरह लगता था एक दूसरे के ऊपर, उसको कम किया जाएगा ताकि बिजनेस जो है वो ढंग से बढ़ाया जा सके। और यूपीएससी प्रीलिम्स में G20 के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया था आप लोगों से, तो G20 कौन है, G7 कौन है, G8 कौन है, इनके बारे में हल्का हल्का सा आइडिया रखेगा, ठीक है। तो सारे नाम यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए, जैसे अर्जेंटीना, इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, याद रखिएगा एक यूरोपियन यूनियन भी है यहाँ पर जिसके अंदर आप लोगों को 27 मेंबर अलग से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ में इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, जापान, यूके, यूनाइटेड स्टेट, इटली, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और G8 जब हुआ करते थे वो था यहाँ पर रसिया, रसिया बाहर निकल गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसने यूक्रेन का क्रीमिया वाला एरिया हटा लिया, तो इसको बाहर निकाल देगा वहां से। तो बेसिक चीजें, बाकी अगर बात करें यहां पर एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसको बोलते हैं यूके करियर स्ट्राइकर ग्रुप, ठीक है, तो ये भी कई बार न्यूज में रहते हैं, तो यहां पर ये भी काफी बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूके करियर स्ट्राइकर ग्रुप जो है यहां पर एक तरीके से करियर है, बेसिकली बैटल ग्रुप आप लोग बोल सकते हैं रॉयल नेवी का, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट करता है यहां पर 2000 से लगभग, यहां पर ये काम भी करता है काफी लंबे समय से, यहां पर ये एक्टिव भी है यहां पर, ठीक है, तो ये एक रोल प्ले करता है। तो ये भी दोनों कंट्री के बीच में रोल प्ले करेगा, बिल्कुल ऐसे जैसे इंगेज है यहां पर सिंगापुर, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान और इंडिया के साथ में, तो ये भी इंगेजमेंट के तौर पर चीजों को आगे लेकर चलता है, ठीक है। तो ये भी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब देखिए प्लान बनाना काफी जरूरी है, किसी भी काम को अगर आगे लेकर चलना है तो प्लान बनाना जरूरी है।
तो रोड मैप यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है 2030 तक का, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप लेकर चलेंगे जिसके चलते चीजों को आगे लेकर चला जा सकेगा। तो यहाँ पर 2021 में इनके द्वारा टारगेट रखा गया कि प्लान को आगे लेकर चला जाएगा और यूके और इंडिया के द्वारा मिलकर हेल्थ, क्लाइमेट, ट्रेड, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिफेंस में एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है ताकि आगे चीजों को लेकर चला जा सके। इंपोर्टेंट मुद्दा याद रखिएगा, दोनों कंट्री के बीच में जब लिखने के लिए आता है तो यहाँ पर सिक्योरिटी और डिफेंस के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो कोऑपरेशन के बारे में बात की जा रही है ऑन मैरीटाइम डोमेन, ठीक है। तो अवेयरनेस फैलाने की बात की जा रही है मैरीटाइम डोमेन को लेकर। इंडिया जो है, इंडिया इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर आप लोगों को देखने को मिलेगा गुरुगांव के अंदर में, जहां पर इंडिया और यूके मिलकर काम कर रहे हैं। इसी के साथ में एक्सरसाइज प्रोग्राम है दोनों कंट्री के, ज्वाइंट ट्राइलेटरल एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलते हैं दोनों कंट्री के बीच में। एक्सरसाइज के बारे में बात करूं तो मैंने अभी आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था, वो यहीं से था क्वेश्चन, ठीक है। तो बात की जा रही है एयरफोर्स इंद्रधनुष, नेवी कोंकण और आर्मी ये अजय वारियर, तो ये कई एक्सरसाइज के नाम भी हैं तो जिनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक चीजें, कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो मार्क 2 आप लोगों को देखने को मिलेगा सपोर्ट करता है इंडिया का इंडिजिनस डेवलपमेंट, यानी कि हमारी कंट्री में खुद हम लोग अपने द्वारा डेवलपमेंट करें और किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं देखने को मिले, तो ये भी काफी इंपोर्टेंट एक मुद्दा आप लोग देख सकते हैं दोनों कंट्री के बीच में। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर आप लोगों को पता है यहाँ पर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि आज की डेट में हम लोग को इस तरीके से दुनिया को कनेक्ट करना है कि जिसके पास में एनर्जी सरप्लस हो, सोलर एनर्जी, उसकी सरप्लस एनर्जी जो है वो दूसरे कंट्री के पास में ले जा सके जिसके पास में डेफिसिट है, यानी कि कमी है। तो यहां से क्या होगा, आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी कि जो ज्यादा कमा ज्यादा बनाने वाला है एनर्जी उसके पास में क्या होगा, बेचने का एक साधन रहेगा और मार्केट भी रहेगी खरीदने वालों की, तो इससे एनवायरमेंट को भी नुकसान नहीं होगा। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो कि अभी ग्लासगो में देखने को मिली, ग्लासगो कहां पर है, यह है यूके के अंदर में। तो यहां पर एक काफी बड़ी बात यह की गई कि यहां पर जो ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव बोला गया और इसका नाम रखा गया वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, याद रखेगा ये यूके और इंडिया का एक ज्वाइंट इनिशिएटिव था यहां पर, क्योंकि यूके के अंदर यहां पर हो रहा था तो यूके ने स्टार्टिंग वाली लाइन दी इसकी, इसको बोलते हैं ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव। तो यूके ने तो ये वाली लाइन दी और बाकी की लाइन जो मोदी जी ने ऐड कर दी यहां पर, जिसको बोला वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, तो GGIOSOWOG ये पूरा नाम है इसका, इंडिया और यूके का ये ज्वाइंट एक इनिशिएटिव है जो कि यहां पर लॉन्च किया गया था, जिससे कि यहां पर हर एक कंट्री को खासकर जो इसकी हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा सकें। तो इसका रोड मैप भी लेकर चल रहे हैं कि पहले फर्स्ट फेज में यहां पर जो मिडिल ईस्ट, इसी के साथ में साउथ एशिया, इसी के साथ में यहां पर साउथ ईस्ट, इन कंट्री को लेकर चला जाएगा। फेज सेकंड में यहां पर दूसरी कंट्री रहेंगी यहां पर रिसोर्स के फील्ड में जो कि रिच है इस पर्टिकुलर फील्ड में, और तीसरे फेज में यहां पर बेसिकली ग्लोबल इंटरकनेक्शन की बात की जा रही है ताकि पावर को ट्रांसमिशन किया जा सके, और जिस देश में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है वो अगर बेचना चाहे तो यहां पर बेच सकता है। तो एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ये पूरा प्रक्रिया आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये काफी इंपोर्टेंट है। तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा एक स्टेटमेंट भी बोली गई थी, आई फर्मली बिलीव दैट दिस प्रोजेक्ट कैन ब्रिंग द ट्रांसफॉर्मेशनल बेनिफिट फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात यह होगी, ना तो ये क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, ना ये कोयले के ऊपर डिपेंडेंट है, ना किसी घास फूस को आप लोगों को जलाकर बिजली बनानी है, ये बेसिकली सूरज से बिजली बनानी है। और सूरज जो है जब तक रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक सारी चीजों का नाम रहेगा, कुछ भी आप लोग ऐड कर लो उसके आगे। तो मुद्दा यहाँ पर ये कि ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर मुझे पर्सनली काफी इंपोर्टेंट लगा, तो एक टॉपिक हो गया अलग से आप लोगों के लिए, अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो ये टॉपिक हो गया। डिफेंस के बारे में कई बार आप लोगों से पूछे जाते हैं तो डिफेंस का टॉपिक हो गया आप लोग अलग से, G20 के बारे में पूछे तो G20 का टॉपिक हो गया। तो एक ही टॉपिक के अंदर आप लोग इतनी सारी चीजें कवर हो जाती है, साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्री आती है, यहाँ पर सस्टेनेबल फूड साइकिल में क्या क्या आप लोगों को लिखने के लिए आते हैं। तो देखिए आप लोग अगर किसी टॉपिक को ध्यान से आप लोग देखोगे ना तो आप लोग समझ पाओगे कि वो टॉपिक नहीं है, पूरा एक चैप्टर कवर हो गया आप लोगों का। तो चीजों को ऐसे लेकर चला आप लोग थोड़े से, ठीक है। तो यानी कि चीजें चहुमुखी विकास में आप लोगों को लेकर चलनी है ताकि कोई भी कंफ्यूजन न रहे। ओके आइए, तो मेरे सेरो आप लोगों को टाइगर के पास लेकर चलता हूं। जीएस पेपर 3 में जो बायोडायवर्सिटी और एनवायरमेंट के लिए इंपोर्टेंट टॉपिक आप लोगों का कवर हो जाएगा यहाँ पर, इसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर देख सकते हैं। बात की जा रही है फोर्थ यानी कि चौथे नंबर की एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, यानी कि जो अभी यहां पर एशिया की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस देखने को मिली टाइगर कंजर्वेशन के लिए। तो ये बाघ संरक्षण का चौथा जो एशिया जो सम्मेलन देखने को मिला कहां पर हुआ, तो ये हुआ मलेशिया के अंदर में, ठीक है। मलेशिया एंड ग्लोबल टाइगर फोरम जो है उनके द्वारा यहां पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। तो अगर बात करें हमारी कंट्री में तो हमारी कंट्री काफी बड़ा रोल प्ले करती है यहाँ पर, किस तरीके से ग्लोबल टाइगर जो रिकवरी है प्रोग्राम की उसको लेकर आगे चलना है। और हमारी कंट्री इंडिया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी है, हमारी कंट्री में जो प्रोजेक्ट टाइगर को इंप्लीमेंट करने की बात आई थी 1973 में, तो हम लोगों ने जब बातें की थी तो ये काफी बड़ा रोल प्ले यहां पर करा था। तो टाइगर जो रेंज है कंट्री की वो यहां पर बेसिकली उनके ऊपर फायदा उनके ऊपर फोकस करने की बात की जाती है। टाइगर रेंज कंट्री के बारे में अगर आप लोगों से पूछे तो जैसे कि आज के दिन में कोई भी आप लोगों से बात करें तो
एशिया के अंदर 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, ठीक है, जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, नाम भी आप लोग यहां पर इनके देखने को मिल जाएंगे, जैसे इंडिया हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, रसिया, चाइना, तो ये सारी कई सारी कंट्री के नाम आप लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं टाइगर रेंज कंट्रीज, जहां पर टाइगर पाए जाते हैं। और आप लोगों को सुनकर खुशी होगी, जो कि मुझे बताते हुए भी गर्व हो रहा है, हमारे देश में ऑल ओवर वर्ल्ड का 70% टाइगर जो है वो हमारे देश में पाए जाते हैं, तो ये काफी गर्व की बात है। तो ये जो न्यूज है काफी इंपोर्टेंट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि पीआईबी के अंदर इसको कवर किया गया, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के, तो ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक था यहाँ पर, जिसके चलते आप लोगों के सामने ये चीजें निकल कर आई, क्योंकि हमारी कंट्री में श्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा डिलीवर की गई एक स्टेटमेंट, फोर्थ एशियन मिनिस्टर जो कॉन्फ्रेंस ऑन द टाइगर कंजर्वेशन थी, तो ये काफी इंपोर्टेंट है, जो कि आप लोगों को याद रखनी है। बेसिकली एक एजेंडा बनाया जा रहा है कि कैसे जो लोग हैं मिलकर काम कर सकते हैं और कैसे टाइगर को हम लोग आगे लेकर चल सकते हैं। आप लोगों को एक बात और याद रखनी है, 2018 में हम लोगों ने टाइगर का फोर्थ सेंसस देखा था, अभी हम लोग बैठे हुए हैं 2022 में, हर चार साल में टाइगर सेंसस होता है, तो अब की बार आप लोगों को नेक्स्ट टाइगर सेंसस यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि होगा यहां पर 2022 में, और फिफ्थ टाइगर सेंसस होगा। पहले वाला कब होता, 2006 में होता, दूसरे वाला कब हो गया, 2010 में हो गया, तीसरे वाला कब हुआ, 2014 में हो गया, और चौथे वाला कब हुआ, 2018 में हो गया, ठीक है। तो यहां पर अब की बार पांचवें नंबर का होगा, तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर बन सकता है। बाकी देश के अंदर अगर टाइगर रिजर्व आप लोग देखेंगे तो ये अलग अलग एरिया में टाइगर रिजर्व आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। यहां पर आप लोग इनको काउंट करना चाहोगे तो शायद आप लोग काउंट नहीं कर पाओगे। संख्या पूछो अगर आप लोगों से कितने टाइगर रिजर्व है देश के अंदर में, तो आप लोग क्या बताओगे। चलिए तुक्का मार के देखो कि देश के अंदर कितने टाइगर रिजर्व है, देखता हूं कौन सही बताता है। इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बाकी मैं कई सारी बातें और बताऊंगा आप लोगों को, पहले उस चैप्टर पर आएंगे, पहले हम लोग यहां पर कुछ और जान लेते हैं। अभी यहां पर इंडिया जो है वो यहां पर टाइगर रेंज कंट्रीज को फैसिलिटेट करेगी कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन फॉर ग्लोबल टाइगर समिट, जो कि यहां पर हेल्ड हुई थी रशिया में लेटर दिस ईयर, मतलब हेल्ड होने वाली रशिया में लेटर दिस ईयर, ठीक है। तो यहां पर 2022 में आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसका सेंट पीटर्सबर्ग का बार नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसमें यह बोला था कि आने वाले टाइम में टाइगर की संख्या जो है वो डबल करनी है, और हमारे देश में ऑलरेडी डबल हो चुकी है जब से यहां पर इसके बारे में बात की थी, तो हम लोग इसलिए यहां पर काफी अच्छे से काम लेकर चल रहे हैं। तो दूसरी कंट्री को भी सजेशन दे सकते हैं ना, जब हम लोग किसी एरिया में परफेक्ट है, ठीक है, मान लीजिए आप लोगों की हेल्थ अच्छी है, ठीक है, तो आप लोग दूसरे पर्सन को बता सकते हैं कि भाई साहब हेल्थ को ऐसे अच्छा करना है, ठीक है, मान लीजिए आप लोगों का करंट अफेयर अच्छा है, किसी को आप लोग पढ़ा सकते हैं भाई साहब करंट अफेयर को ऐसे कवर कर लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए बेसिकली इसके बारे में कई सारी बातें, ठीक है। अरे हाँ, ये याद आ गया सजेशन के बारे में, एक कोई आईएएस ऑफिसर है, उनकी रैंक मुझे लगा शायद 15-16 कुछ, मतलब 16-17 कुछ रैंक है, उनके द्वारा अभी यहां पर मतलब सजेशन दिया गया कि हाँ स्टडी लवर वीर के लेक्चर जो है वो आप लोग देख सकते हैं करंट अफेयर के लिए, ठीक है, पर लेकिन उनके लेक्चर थोड़े से लेंथी होते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या लगा, मैंने उसके बारे में, बच्चे ने मुझे मेल किया, वीडियो का लिंक भी सेंड किया था मुझे, कि थोड़े से लेंथी होते हैं। यार देखो, लेंथी होने का पर्पज पता है क्या रहता है, वरना कई सारे आप लोगों ने देखा होगा करंट अफेयर बहुत सारे लोग कवर करते हैं, वो क्या करते हैं करंट कवर कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। मैं यहां पर क्या करता हूँ, स्टैटिक कवर करता हूँ आप लोगों के करंट के साथ में, तो इसलिए लेक्चर लेंथी हो जाता है, वरना जो लेक्चर आप लोगों का एक घंटे का हो रहा है, मैं भी इस लेक्चर को 30 मिनट का कर सकता हूँ, ठीक है। जो भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, जैसे यहाँ पर ये मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा बता दिया, उन्होंने करंट अफेयर में बस एक लाइन लिख के छोड़ दी यहाँ पर कि टाइगर रेंज कंट्रीज, ठीक है। मैंने क्या किया, पूरा टाइगर रेंज कंट्रीज के बारे में आप लोगों को बता दिया, तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में डालता हूं ना, इसकी वजह से आप लोगों को लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाता है, क्यों, क्योंकि बेसिक चीजें होते हैं। वहां पर लिखा था वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, मैं क्या करता है बस लाइन को पढ़ के आगे निकल जाता, पर लेकिन मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों को पूरा इसके सिस्टम के बारे में बता दिया कि ये क्या सिस्टम है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। वहां पर लिखा था साउथ एशियन कंट्री, तो मैं आप लोगों को बता के निकल जाता, ठीक है साउथ एशियन कंट्री है इनमें यहां पर ये काम हो रहा है, पर मैंने अलग से मैप डाला, उसका आप लोग एक्सप्लेनेशन दे दिया, तो यार ये होता है लेक्चर को लेंथी हो जाता है इसकी वजह से। यहां पर लिखा था सस्टेनेबल फूड साइकिल बनाकर चलेंगे, मैंने पूरी प्रक्रिया समझा दी आप लोगों को सस्टेनेबल फूड साइकिल क्या होती है, तो इसकी वजह से लेक्चर लेंथी हो जाता है। तो लेक्चर लेंथी बेसिकली ये अपने आप नहीं होते हैं, आप लोगों को बेसिक चीजें बताने के चक्कर में ये मैं लेंथी इसको करता हूं, ताकि आप लोग सारी चीजें समझ सकें। उन्हें कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन, तो वो काम मैं करने की कोशिश यहां पर करता हूं। जब भी तो आप लोग पेपर में बैठकर कंफर्टेबल फील करते हैं, देखा नहीं जब पेपर देने जाते हो फिर बड़े बड़े सारे मैसेज आते हैं यार, ठीक है, अभी भी कई सारे पेपर हुए तो बहुत सारे मैसेज आए, ठीक है, तो उससे अच्छा लगता है फिर मुझे, यही तो मुझे कॉन्फिडेंस देता है, और यही बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आती है, वरना तो करंट अफेयर तो ज्यादा थोड़ी ना होता है, करंट अफेयर डेली थोड़ी इतना सारा थोड़ी हो जाएगा, दो दो घंटे की वीडियो है आप लोग की हिंदू की, और ये इसमें स्टैटिक पोर्शन आप लोगों को कवर करा रहा हूं, ये आप लोग ध्यान से भी नहीं देखते हो, ठीक है, तो वो तो देखा उनको पता नहीं, क्योंकि नाम तो करंट अफेयर की वीडियो है, तो उन्होंने देखी नहीं हो, मतलब देखी हो या नहीं देखी मुझे आइडिया नहीं है, पर हाँ उनके द्वारा बोला गया तो मुझे लगा कि मैंने कहा इसके बारे में आप लोगों से बात करूं कि हाँ उनकी वीडियो देख सकते हैं, पर लेकिन उनकी वीडियो थोड़ी लेंथी रहती है, दोनों वीडियो लाते हैं वो, तो बताया करो कि करंट के साथ में स्टडी भी कवर करते हैं सर, ठीक है, ताकि लोगों को ये ना लगे कि यार पता नहीं करंट अफेयर कहां से निकाल के लेकर आ रहा है इतना, ठीक है, मेरे पास में थोड़ी ना फैक्ट्री है यार करंट अफेयर बनाने की।
मेरा पर्पज ये रहता है कि आप लोगों को एक एक पॉइंट जो है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करा दूं, ताकि एग्जाम में बैठकर आप लोगों को ये ना लगे कि भाई साहब मजा नहीं आया पेपर देते हुए, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहती हैं, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए, ठीक है। तो कभी भी ऐसा कोई बोला करे कोई भी सिलेक्टेड कैंडिडेट, तो उसको बता दिया करो कि ऐसा ऐसा चलता है, ठीक है, ताकि उनको ये ना लगे, क्योंकि बाहर से सबको दिखता है करंट अफेयर की वीडियो है, भाई साहब दो करंट अफेयर की वीडियो है, पर लेकिन रियलिटी में अंदर तो कुछ और ही चल रहा है ना, ठीक है। तो अंदर की बात बताया करो, ठीक है, ओके। ग्लोबल टाइगर समिट अभी फाइनलाइज यहां पर की जा रही है, तो उसके चलते यहां पर जो फाउंडिंग मेंबर है उसमें आप लोगों को इंडिया भी देखने को मिलेगा। तो टाइगर रेंज कंट्री जो है वो ग्लोबल टाइगर जो यहां पर टाइगर रेंज कंट्री एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है, ग्लोबल टाइगर फोरम, जहां पर मिलकर काम करते हैं कि चीजों को लेकर कैसे चल रहे हैं। आखिर जैसे बोले ना कि एक मंच प्रोवाइड करा दिया, अच्छा ऐसे ऐसे हम लोग मिलकर काम करेंगे, तो ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो ग्लोबल टाइगर समिट जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करती है, यहां पर कई सारे लोग मिलकर यहां पर काम करते हैं टाइगर को कैसे लेकर आगे चलना है। टाइगर रेंज कंट्री मैंने बताया था, यहां पर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, कंबोडिया, ये सारी कंट्रीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। सिग्निफिकेंस क्या है यहां पर, सिग्निफिकेंस देखिए देखने को मिलेगा, एक तो हम लोग मिलकर काम कर पाते हैं, तो एक दूसरी कंट्री ने क्या क्या सजेशन दिए। मान लीजिए मेरे माइंड में कोई सजेशन आया कि यार इस काम को ऐसे कर लेते हैं, आप लोगों के माइंड में कोई सजेशन आया इस काम को ऐसे कर लेते हैं, तो इससे सजेशन आप लोगों के आगे बढ़ते रहते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि एक दूसरे से हम लोग सीखकर आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है, तो जरूरी है यहाँ पर ये। तो टाइगर कंजर्वेशन काफी इंपोर्टेंट बन जाता है यहाँ पर। जब टाइगर कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं तो याद रखिएगा फूड चेन जो है उसको मेंटेन रखने के लिए टाइगर काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ चीजें नेचर ने ना अपने हिसाब से बना रखी है। अब बात करें नीचे जो है हिरन हो गए या फिर नीलगाय हो गई या फिर कोई भी ऐसा जीव जंतु हो गया जो घास फूस खाता है, ठीक है, जब आप लोग ऊपर जाएंगे तो इनको टाइगर खा जाता है, आप लोग बोलेंगे बड़ी दयनीय कंडीशन है यार, बेचारों को मार देता है, पर लेकिन ऐसे ही साइकिल काम करती है, ठीक है। इधर बाज को देख लो, यहाँ पर छोटी छोटी चिड़िया जो है वो फूल पत्तियां खाती है, यहाँ पर उनको बाज खा जाता है, तो ये ऐसे ही काम चलता है, यानी कि ये फूड साइकिल होती है, एक बैलेंस बनता है ऐसे ही। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली जहां पर भी आप लोग रहते हैं, मान लीजिए कोई गल सड़ गया, कोई जानवर मर गया छोटा मोटा, तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक है। कई सारे बोलेंगे यार कीड़े इस जानवर को खा गए, अगर उसको खाएंगे नहीं वो वहीं पर ही पड़ा रहेगा, तो इतनी सारी बीमारियां हो गई कि हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो नेचर काम ही ऐसे करती है भाई साहब, ये नेचर का तरीका है काम करने का कि हम लोग इसमें बैलेंस बनाकर रखें। जब भी हम लोग हरकतें करते हैं, मान लीजिए हम लोगों ने टाइगर को खत्म कर दिया, तो भाई साहब पेड़ धरती पर सारे जो है जो यानी घरी घास फूस जो है जो ग्रीन घास फूस है वो सारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हिरन की संख्या इतनी बढ़ जाएगी जिसकी कुछ हद नहीं है, इन सब की संख्या जिसकी कुछ हद नहीं है। हालांकि टाइगर से भी ज्यादा खतरनाक जानवर आ गए मार्केट में जो कि है इंसान, वो इनको जिंदा नहीं रहने देता है, वो एक अलग बात है, पर लेकिन बैलेंस बनाना काफी ज्यादा जरूरी है फूड चेन के अंदर में। तो पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल रहती है प्राइमरी लेवल से अपर लेवल तक, तो मेंटेन करता है एक बैलेंस, उसकी ज्यादा जरूरी है। टाइगर कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो हमारी कंट्री में इंडिया जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके शेड्यूल 1 में आता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इसी के साथ में कुछ और दो देखिए तीन चीजें आप लोगों को याद रखनी होती है जब भी कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है। कंजर्वेशन के बारे में तीन लिस्ट आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती है। पहली लिस्ट में आते हैं यहां पर इंडिया को जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, इसमें शेड्यूल 1 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरी में आता है IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको IUCN की लिस्ट बोलते हैं आप लोग, उसमें इंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको रखा गया, ठीक है। तीसरा जो आता है यहां पर इसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, नाम सुनकर लगा होगा पता नहीं क्या बोल दिया, ढंग से इसको ब्रेक कर पढ़ो। बोला गया कन्वेंशन ऑन यानी कि एक तरीका ये संगठन है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल अगर कोई ट्रेड यानी कि व्यापार होता है इंडेंजर्ड स्पीसीज यानी कि जो खतरे में स्पीसीज चल रही है उसमें वाइल्ड फोना, फोना क्या होता है बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेंगे जीव जंतु पशु पक्षी या एक तरीके से, और फ्लोरा क्या होता है जैसे कि पेड़ पौधे हो गए फूल पत्तियां हो गई ये होता है, तो इनका व्यापार करने से रोकता है यहां पर जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुके हैं। और टाइगर क्या है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गया तो इसका व्यापार नहीं कर सकते आप लोग, मार काट कर इनको बेच नहीं सकते, इसका अपेंडिक्स 1 ये बातें करते हैं। तो तोड़कर लाइन को पढ़ो तो लाइन समझ में आ जाएगी, वरना ये बोलेंगे पता नहीं यार क्या बोल के चला गया इंसान, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइगर पॉपुलेशन जो है इंडिया में दुनिया की 70% है और हमारे देश में 53 टाइगर रिजर्व आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और 3 अभी नए ऐड किए गए हैं, तमिलनाडु में, एक राजस्थान में और एक छत्तीसगढ़ में। तो जो 3 अभी लेटेस्ट ऐड किए गए 2021 में, इनके नाम आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए तीनों के नाम भी मैंने दे दिए। तो 53 टाइगर रिजर्व आप लोगों को लगभग 18 स्टेट्स के अंदर आज के में देखने को मिलेंगे, और लास्ट सेंसस जो था यहां पर 2018 में कंडक्ट कराया गया था, ये जरूरी इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग बन जाते हैं। मैंने बोला था ना कितने टाइगर रिजर्व हमारे देश में, इसके बारे में बात करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है। तो टाइगर की जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में ये काफी इंपॉर्टेंट है, सेंसस बार बार कंडक्ट करा रहे हैं। और जो मैंने बताया आप लोगों को याद रखिएगा, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के अंदर में एक समिट हुई थी और उसमें बोला गया था 2022 तक का हम लोगों को जो टाइगर की संख्या वो डबल करनी है, और इंडिया ने यहां पर अपना वादा जो है पूरा कर दिया, यानी कि हम जो है अपने वादे पर टिके रहते हैं, ठीक है। तो ये जो वादे हम लोगों ने पूरे किए ऐसा हो गया कि अपने आप ही पूरे हो गए, नहीं भाई साहब प्रॉपर काम किया है। क्या क्या स्टेप उठाए, पहले कंजर्वेशन एश्योर्ड हम लोगों ने टाइगर स्टैंडर्ड तैयार किया,
14 टाइगर रिजर्व इंडिया में ऐसे थे जो ऑलरेडी ये अवार्ड जीत चुके हैं, जिसमें हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर हम लोगों ने इनके ऊपर फोकस किया टाइगर को कि इनकी संख्या को कैसे इंप्रूव कर रहे हैं। आगे चलकर आप लोगों ने देखा 1973 में हमारी कंट्री में टाइगर प्रोजेक्ट लेकर आया गया जो कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करेगी और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ही आ गया 1973 में, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिला। इसी के साथ में अगर बात करते हैं यहां पर रिलेटेड स्टेप, यहां पर बात की जा रही है बजटरी एलोकेशन, पैसा दिया गया प्रॉपर वे में इसके लिए यहां पर कि कैसे आप लोग काम करने हैं। तो यहां पर लगभग 185 करोड़ करीब यहां पर दिए गए 2014 में और 300 करोड़ दिए गए 2022 तक के, ठीक है, ताकि चीजों को सुधारा जा सके हमारी कंट्री में, क्योंकि किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है, तो उसके लिए पैसा तो लगेगा ही लगेगा, बेसिक रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो ये है। इसी के साथ में जो फ्रंट लाइन जो भी यहां पर स्टाफ है जो काम करते हैं उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस की बात की गई, 2 लाख रुपए यहां पर हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा अगर कोई दिक्कत पहुंचती है ई श्रम के तहत में यहां पर, ठीक है। इसी के साथ में आयुष्मान भारत योजना के तहत उनको हेल्थ की प्रोवाइड कराई जाएगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और इंप्लॉयमेंट के तहत यहां पर ये काम किया गया। यानी कहने का मतलब ये कि हर एक लेवल पर कोई ना कोई यहां पर काम किया गया ताकि सिचुएशन को सुधारा इंप्रूव किया जा सके। तो ये बेसिक चीजें थी, आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लियर हो गई होंगी कहां पर क्या क्या चीजें हैं, मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता दी, कोई भी कंफ्यूजन अब आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। एक और छोटी स्लाइड है, इसमें आप लोग थोड़ा सा नजर डाल लेना टाइगर की जो पॉपुलेशन है कहां कहां पर बढ़ रही है बेसिकली यहां पर आज के में, ठीक है। तो ये सारी चीजें दे रखी है, तो हमारी कंट्री में कहां पर बढ़ी है, ठीक है, चाइना में बढ़ी है, नेपाल के अंदर क्या कंडीशन रही है, रशिया के अंदर क्या रही है, भूटान के अंदर क्या रही है, तो ये कुछ बेसिक एक मैंने आप लोगों को यहां पर स्लाइड डाल दी एक्स्ट्रा, हालांकि जरूरत नहीं थी पर फिर भी आप लोगों को हल्का सा आइडिया रहेगा, एक्स्ट्रा ही चीज है, जा तो कुछ रहा नहीं हमारी जेब से, ठीक है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आप लोगों का जीएस पेपर 3 में, जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक है उसमें आप लोग डायरेक्ट इसको कवर कर सकते हैं। हमारी कंट्री में रिसेंटली अभी काफी न्यूज में भी है, खासकर 2022 में, याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी की 175 जो बर्थ एनिवर्सरी है वो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसके चलते आप लोगों के लिए यहां पर क्वेश्चन भी बन सकता है। गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के जो यहां पर गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट और इसी के साथ में प्रोफेसर विनोद शर्मा जो है जो कि फाउंडर है यहां पर, इसी के साथ में कोऑर्डिनेटर है नेशनल सेंटर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, उनको सेलेक्ट किया गया सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर इनका जो वर्क है वो काफी एक्सीलेंस यहां पर देखने को मिला, जिसके चलते यहां पर इनको इंक्लूड किया गया है। तो यहां पर बात क्या की जा रही है, 2012 में यहां पर GIDM जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था और यहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम करता है, खासकर कैसे डिजास्टर हो रहा है उसको रोका कैसे जा सकता है उसके ऊपर काम कर सकता है करता है, और गुजरात के अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। प्रोफेसर जो विनोद शर्मा है काफी काम किया इनके द्वारा यहां पर एज ए नेशनल एजेंडा को लेकर चले, देखिए दुनिया ना तभी आप लोगों को रिकॉग्नाइज करेगी, देश के बारे में कुछ सोचो, अपने बारे में तो दुनिया सोचती है, मर आते हैं दुनिया से चले जाते हैं तो एक अलग चीज है, पर दुनिया के बारे में सोचोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये टॉपिक पूरा डिटेल में कवर किया गया, यहीं से ही मैं टॉपिक आप लोगों का कवर कर रहा हूं, तो सोर्स है यहां पर इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। तो नॉर्मली PIB इंडियन एक्सप्रेस या फिर आप लोगों के लिए कोई इंपॉर्टेंट मैगजीन होती है, जैसे कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा जो एक तरीके से नाम निकल गया माइंड से, डाउन टू अर्थ, ठीक है, तो डाउन टू अर्थ मैगजीन होगी, उसके आर्टिकल्स आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। तो ये पूरा जो डिस्कशन हमारा रहता है ना, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों के कवर हो जाते हैं एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है, और उनको इस तरीके से कवर करता हूं ताकि आगे भी कुछ लिखने के लिए आए तो आप लोग उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। तो टॉपिक को इसी तरीके से लेकर आप लोग चला करो ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं देखने को मिले और अच्छे से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सको। बेसिक पर्पज भी मेरा यही रहता है कि आप लोगों को टॉपिक उस तरीके से यहां पर पढ़ाया जाए, ठीक है। अभी बात करते हैं यहां पर इस पूरे पुरस्कार के बारे में, तो ये एक तरीके से जो पुरस्कार यहां पर सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड था आपदा प्रबंधन पुरस्कार, यहां पर ये रिकॉग्नाइज करता है दो लोगों को, एक तो कोई कंपनी हो इंडिविजुअल कोई पर्टिकुलर इंसान हो, ठीक है, और दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। तो यहां पर वो डिजास्टर के फील्ड में यानी कि आपदा प्रबंधन के फील्ड में अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उनको यहां पर ये प्राइज दिया जाता है। अवार्ड जो है ये अनाउंस किया जाता है हर साल 23 जनवरी, क्यों, क्योंकि इसी दिन जो है सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो 51 लाख रुपए का कन्यादान किया जाता है इंस्टीट्यूट को, यानी कि जो भी इंस्टीट्यूट है यहां पर जो काम कर रहा है इस फील्ड में उसको 51 लाख रुपए का कन्यादान मिलता है कि हाँ उसने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। 5 लाख रुपए जो मिलते हैं यहां पर ये इंडिविजुअल को मिलते हैं, यानी कोई अकेला यानी एक अकेला चला था मंजिले राही को लेकर और आगे पता नहीं क्या क्या होता चला गया, ठीक है, मतलब डायलॉग भूल गया मैं, कहने का मतलब ये है मैं अकेला ही चला था, क्या था डायलॉग, मैं अकेला ही चला था काफी लोगों को लेकर, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया, कुछ कुछ ऐसा था। तो यहां पर ये अकेले ही चले थे एक पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर और आगे चलकर इन्होंने देखा 50,000 की फोर्स खड़ी कर दी थी, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये वास्तव में बहुत बड़ी बात होती है यार, अपने अकेले इंसान के बस की नॉर्मली इतनी चीजें नहीं होती है, कोई एक ऐसा इंसान कर सकता है जो यहां पर कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करना जानता हो, ठीक है। आगे बात करें डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, तो यहां पर सिस्टमेटिक एक प्रोसेसर है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर की डिसीजन मेकिंग होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑपरेशन स्किल होगी, कैपेसिटी होगी, तो सारी चीजें मिलकर काम करेंगी, स्ट्रेटजी
एनर्जी बनाएंगे प्रॉपर में, और कोई भी नेचुरल हजार्ड्स अगर देखने को मिले, एनवायरमेंटल या टेक्नोलॉजिकल कोई डिजास्टर देखने को मिले, तब आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें सामने निकल कर आएगी। तो स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल मेजरमेंट रहते हैं यहाँ पर, किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है, क्या क्या लिमिटेशन है उसके ऊपर काम किया जाता है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो रिस्क को एनालिसिस किया जाता है असेसमेंट की, कैसा रिस्क है यहाँ पर, कैसे उसको कंट्रोल करना है, कैसे उसके लिए स्ट्रेटजी प्लानिंग करनी है, कैसे रेस्पॉन्स और रिकवरी यहाँ पर लेकर आनी है, नॉलेज मैनेजमेंट कैसे होनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, रेजिलियंट बिल्डिंग होनी चाहिए, यानी कि अगर कहीं पर अर्थक्वेक आ रहे हैं तो वहां पर ऐसी बिल्डिंग बनाओ ताकि भूकंप आने पर वो गिरे ना। इसी के साथ में यहां पर थ्रेट को रिकॉग्नाइज किया जा सके कि रिस्क क्या है, वल्नरेबिलिटी क्या है, उसको आइडेंटिफाई किया जा सके आने से पहले। तो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अगर लिखने के लिए आता है तो ये जो पॉइंट आप लोगों के सामने है यहाँ पर, अगर इन पॉइंट को आप लोग मेंशन कर दोगे तो यहाँ पर सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ यार ये चीज जानते हैं। तो 7 पॉइंट है आप लोगों के लिए यहाँ पर, ये पूरा एक टॉपिक हो गया आप लोगों का, तो इसको आप लोग जरूर काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आंसर राइटिंग में बहुत बड़ा फायदा आप लोगों को यहाँ पर पहुंचाती है। तो इसी के चलते एक स्ट्रक्चर के तौर पर आप लोग चीजों को लेकर चलिए ताकि लंबे समय तक आप लोग याद रख सके। 3 देखिए एरिया होते हैं, एक तो डिजास्टर के पहले क्या करना है आप लोगों को, ठीक है, डिजास्टर के ड्यूरेशन में क्या करना है और डिजास्टर के बाद में क्या करना है, यानी कि मान लीजिए कहीं पर भूकंप आ गया तो भूकंप के पहले क्या क्या आप लोगों को कंडीशन पता होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो लॉस है वो कम से कम हो, लोगों की जान कम से कम जाए। अब भूकंप आ चुका है उसमें कैसे लोगों को आप लोगों को प्रोवाइड कराना है ताकि उसका इफेक्ट जो है कम हो, और जब भूकंप आकर चला गया है यहाँ पर तो लोगों को कैसी कंडीशन सुधारनी है, फिर से उनके घर बनाने हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो ये सारे काम यहाँ पर है, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों चीजें यहाँ पर लिखी है जो मैंने अभी बताई, बिफोर डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर और आफ्टर डिजास्टर। तो उसके लिए क्या क्या काम करना चाहिए, तो उसी के लिए यहाँ पर प्लानिंग के बारे में बात की जा रही है, इमरजेंसी और रिकवरी सारी बातें यहाँ पर बताई गई है कि ऐसे आप लोग काम को कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह कि आप लोग को चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा प्रॉपर वे में, तभी आप लोग सिचुएशन को सोल्यूशन को समझ पाओगे ढंग से। इसी के साथ में यहाँ पर एक है सेंडाई फ्रेमवर्क, याद रखेगा डिजास्टर के लिए फिलहाल जो है सेंडाई फ्रेमवर्क है। इससे पहले एक और फ्रेमवर्क था जिसके बारे में आप लोगों को बताना है, उसको क्या बोलते थे, हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है लिखा हुआ है, चलो टेंशन मत लेना, ठीक है। सेंडाई जो है वो जापान के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक एरिया, जिसके नाम पर इस फ्रेमवर्क का नाम रखा गया, इसका नाम है सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। 2015 से लेकर 30 तक का यहाँ पर ये देखने को मिलता है। इसके तहत यहाँ पर काम किया जाता है कि कैसे हम लोग को कैसे कम कर रहे हैं यहाँ पर। 2015 में यहाँ पर इसको 3rd यूएन की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी सेंडाई के अंदर में, तब ये फ्रेमवर्क निकल कर आया कि हाँ भाई साहब डिजास्टर यानी कि आपदा को मैनेज करना है। सेंडाई फ्रेमवर्क जो है उसके द्वारा रिप्लेस किया गया था जो यहाँ पर ह्योगो फ्रेमवर्क था यहाँ पर इससे पहले, वो भी जापान के अंदर ही था। तो यहाँ पर 2005 से लेके 2015 तक का था ये, फिर इसके बाद में यहाँ पर 15 से लेके 30 तक का भी ये वाला आ गया। तो क्या हो गया, तो इसका मतलब ये कि ये इसका एक्सटेंडेड वर्जन देखने को मिलेगा। कैसे, जैसे MGD थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ठीक है, तो MDG जो थे यहां पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, उनको रिप्लेस करकर अभी यहां पर क्या आ गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आ गए। तो ये इसी का एक्सटेंडेड वर्जन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो डिफरेंट जो फेज है ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के मैंने अभी आप लोगों को दिखाया यहाँ पर, तो साइकिल की फॉर्म में जैसे समझ सकते हैं कि रेस्पॉन्स देना है, रिहैबिलिट करना है, प्रिवेंट करना है और प्रिपेयर रहना है। तो ये सारे डिजास्टर मैनेजमेंट के एक तरीके हैं उसको काउंट करने के। तो कल को चलकर कहीं पर भी डिजास्टर आता है तो उसको मैनेज करने का पता होना चाहिए। उसके लिए सारी चीजें आप लोगों के सामने इसलिए रख दी है मैंने खोलकर यहाँ पर। वैसे तो यहाँ पर एक प्राइस के बारे में बात की थी, पर एक्स्ट्रा चीजें इसलिए बता दिए ताकि कल वो क्वेश्चन पूछ जाए तो आप लोग ये ना बोलोगे यार क्वेश्चन कहां से बन गया, ठीक है। एक और मुद्दा यहाँ पर वुमेन के इशू के बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आया है तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। इसको मैं टॉपिक को आप लोग कवर कराने वाला हूँ, इसको समझिएगा आप लोग, ये सारा टॉपिक ढंग से आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है। इसके ऊपर आगे एडिटोरियल भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, यहाँ पर बात की जा रही है वुमेन से रिलेटेड, खासकर डॉटर से रिलेटेड, क्या एक लड़की को भी यहाँ पर प्रॉपर्टी में अधिकार मिलने चाहिए, ये बेसिकली बात यहाँ पर की जा रही है। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं आखिर कहां से निकल कर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी रिसेंटली एक केस पहुंचा और यहाँ पर वुमेन रिलेटेड इशू जीएस पेपर 2 में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो बात की जा रही है राइट टू देयर फादर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलता है लड़के को ही यहाँ पर जो माँ बाप की प्रॉपर्टी पर अधिकार मिलते हैं, पर लेकिन बोला गया कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत 1956 का जो है लड़की को भी यहाँ पर उसके जो पापा है उनके जो प्रॉपर्टी में अधिकार मिलेगा। केस जो है काफी पुराना था, काफी लंबे समय से यहाँ पर चीजें इन्वॉल्व थी। प्रॉपर्टी के बारे में बात की जा रही है 1949 की बात थी यहाँ पर, ठीक है। एक पर्सन पर्टिकुलर उनकी डेथ हो गई, उन्होंने बताया भी नहीं, कोई अपने बिल भी नहीं छोड़ी अपने पीछे कि यहाँ पर कैसे कैसे चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो जो कि बेसिकली यहाँ पर हालांकि जो लड़की थी जो कि यहाँ पर केस को लेकर आगे आई थी उनकी भी डेथ हो गई, तो पुराना केस था और ऐसे केस है कि ये टाइम टू टाइम चलते रहते हैं। तो हाई कोर्ट में केस पहुंचा, फिर उसके बाद में आगे सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा। तो अभी मुद्दा क्या निकल के आया, मैं उस मुद्दे के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ। मुद्दा क्या है, बेसिकली मुद्दा यहाँ पर यह है कि नॉर्मली अब तक हमारे देश में अगर आप लोग बात करेंगे तो होता क्या है कि भाई साहब अगर बाप है उसके बच्चे हैं 3, ठीक है, एक उसके बच्चे हैं 3, एक लड़का है, मान लीजिए 2 लड़के हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, ये माना था कि लड़का जो है वो जायदाद प्रॉपर्टी का वारिस है।
पर लेकिन यहां पर लड़की को हम लोग उससे जो उनका जो एक तरीके से हक होना चाहिए उससे हम लोग वंचित कर देते हैं। हम लोग ये बोलते हैं कि हाँ भाई साहब प्रॉपर्टी में तो बेसिकली किसका हक होना चाहिए, यहां पर लड़की का नहीं लड़के का हक होना चाहिए। तो क्या ये सही है यहां पर? तो उसी के चलते यहां पर अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया नहीं भाई साहब लड़के का भी हक होना चाहिए और इसी के साथ में लड़की का भी हक होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक तरीके से जो है गर्ल और यहां पर बॉय दोनों का अधिकार यहां पर होना चाहिए बाप की प्रॉपर्टी में। ऐसा नहीं है कि यहां पर बस लड़के का अधिकार होगा, तो ड्यूटर भी यहां पर रहेगी अगर प्रॉपर्टी के बारे में आप लोग बात करते हैं। तो उसी के बारे में यहां पर बात बताइए कि नॉर्मली लड़की को हम लोग इंक्लूड कर चलते ही नहीं है। अभी थोड़ा यहां पर समझने की बात कीजिए, पूरा मुद्दा एक और ढंग से थोड़ा सा आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि अच्छे बात क्या चल रही है। ठीक है, एक सेकंड पेन ले लेते हैं। अरे क्या हो गया पेन को, थ्री डेट का डायलॉग याद आ गया, मेरी पेन तो तू ले गई पेन गायब हो गई, हाईलाइटर उठा ले गया, हाईलाइटर उठ गया, चलो हाईलाइटर उठ गया, देखता है पेन होता है क्या, वन सेकंड आ गया। ठीक है, तो यहां पर क्या है बेसिकली बात ये की गई कि प्रॉपर्टी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, एक सेकंड, प्रॉपर्टी के बारे में जब हम लोग यहां पर बात करते हैं तो ये बोला गया कि एक पर्टिकुलर पर्सन अगर यहां पर बिना अपनी विल के मर जाए, यानी कि उसकी डेथ हो जाए और बताए ना कि प्रॉपर्टी पे किसका अधिकार होगा। ठीक है, तो बोला गया कि पता चला उसके यहां पर एक लड़की है बस और कोई नहीं उसके। ठीक है, तो ये माना जाता है कि उसके जो भाई है, मान लीजिए कोई एक इंसान है ए, ठीक है, उसके यहां पर अगर बात करें दो लड़के हैं जिसका नाम है सी और डी। एक सेकंड यार, थोड़ा सा इधर को लिख लेते हैं इसको, यहीं पे आ जाइए आप लोग। ठीक है, एक कोई इंसान है ए, इसके कोई लड़के हैं बी और सी। ठीक है, अब बी और सी जो है यहां पर इसके लड़के हैं ए के, और यहां पर जो बी है यहां पर इसकी शादी होगी और उसको एक लड़की है ओनली। ठीक है, इसको लड़का नहीं है, और यहां पर जो सी है इसके लड़का भी है और लड़की भी है, इसका पूरा परिवार है, इस तरीके से आप लोग देखते हैं। तो हुआ क्या यहां पर, ये जो बी था इसकी डेथ हो गई, पर लेकिन इसके यहां पर ओनली लड़की थी, तो यहां पर ये बोला गया जो बी की प्रॉपर्टी थी वो यहां पर इसकी लड़की के हिस्से में नहीं आएगी, इसके भाई और उसके बच्चों के हिस्से में आ जाएगी, तो यहां पर लड़की के हिस्से में नहीं आएगी, ये यहां पर माना जाता था। ठीक है, तो यहां पर ये नहीं बोला गया, अब ये बोला गया कि यहां पर लड़की के हिस्से में प्रॉपर्टी आएगी अगर वो लड़की है, यहां पर ऐसा नहीं होगा कि उसके भाइयों के हिस्से में प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो एक तो ये डिसीजन यहां पर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर और देखने को मिल रहा है कि कल को चलकर अगर क्या होता है, मान लीजिए जो लड़की है, ये जो अकेली लड़की है, ठीक है, अगर ये लड़की भी यहां पर इसकी भी डेथ हो जाती है, ठीक है, मतलब ये लड़की की शादी होगी और उसकी डेथ होगी यहां पर, तो क्या उसके ससुराल वालों को प्रॉपर्टी मिलेगी? नहीं, फिर ये प्रॉपर्टी यहां पर बेसिकली भाई के हिस्से में चली जाएगी। ठीक है, तो ये मुद्दा आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, यानी कि इसके ऊपर एक क्लैरिटी दी है यहां पर कोर्ट के द्वारा, इसके ऊपर एक क्लैरिटी दी गई है क्योंकि लंबे समय से यहां पर ये केस बेसिकली चल रहा था, तो उसी को यहां पर क्लियर किया गया। और ऐसा नहीं कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बोली है इसके बारे में, 2020 से भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोला था कि हिंदू जो वुमेन है, ठीक है, उनको प्रॉपर्टी का राइट का अधिकार है यहां पर कि वो भी अपने उत्तराधिकारी के तौर पर यहां पर प्रॉपर्टी में इक्वल है, जैसे कि उनका भाई है उतनी ही जायदाद उनकी भी है। ऐसा नहीं कि यहां पर भाई के हिस्से में सारी प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है, यानी कि चिल्लाते रहते हैं कि हाँ बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, तो वो वाली चीज देखने को मिलती है। तो बेटी चाहे तो भी प्रॉपर्टी ले सकती है, वो एक अलग बात है कि बेटियां जो है वो अपनी प्रॉपर्टी लेती नहीं है, कि चलो भाई के हिस्से में ही आ जाए वही सही है। इसी के चलते एक और मुद्दा यहां पर ये निकल कर आ रहा है, अगर आप लोग बात करते हैं, अगर यहां पर बात करें तो एक मुद्दा और यहां पर है कि लैंड राइट एंड वुमेन इन इंडिया, अगर आप लोग आज की डेट में देखोगे तो यहां पर एक अलग ही फंडा आप लोग यहां पर नजर आएगा, एक अलग ही फंडा आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। नॉर्मली जो मेल है उसके हाथ में ज्यादा हिस्सेदारी आती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो कि पांचवा भी है, 43 वुमेन जो है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ओन करती है यहां पर लैंड हाउस अलोन। ज्वाइंट फैमिली में अगर आप लोग बात करते हैं, ठीक है, तो वुमेन जो है वो एक्चुअली एक्सेस करती है प्रॉपर्टी को, पर लेकिन फिर भी डाउट है कि प्रॉपर एम उनको मिल नहीं पाती है। अगर बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के द्वारा जब यहां पर देखा गया तो 16% वुमेन जो रूरल, अगर बात करें, वो लैंड ओनर आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि हमारे देश में महिलाओं को प्रॉपर्टी का हकदार बहुत कम माना जाता है। ठीक है, नॉर्मली ये माना जाता है कि लड़की है, ठीक है भाई साहब शादी हो जाएगी और फिर अपनी ससुराल में चली जाएगी, प्रॉपर्टी देकर करना ही क्या है। तो ये पैटर्न आप लोगों को हमारी कंट्री में देखने को मिलेगा, तो उसी पैटर्न से हटकर अब यहां पर काम करने की बात की जा रही है, तो उसी के बारे में यहां पर ये आर्टिकल है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। आप लोग क्या लगता है, सही हुआ या फिर गलत हुआ, आप लोग बताइए इसके बारे में। जिसको लगता है कि लड़कियों को अधिकार नहीं मिलने चाहिए, क्या ऐसा कुछ होना चाहिए, आप लोग बता सकते हैं। बाकी अच्छे से अपना गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करना यार, और मॉर्निंग में उठकर अच्छे से तैयार रहना, बिल्कुल अपना अच्छे से चीजों को देखने के लिए अपने दिन को अच्छे से स्टार्ट किया करो, उसी में दिन आप लोग अच्छा चलता है। ठीक है, इंटरनेशनल कस्टम डे के बारे में हम लोगों ने बातें की अच्छे से यहाँ पर, इसी के साथ में गणतंत्र दिवस के बारे में, इंडिया और यूके के रिलेशन के साथ में, और भी बहुत सारी बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बता दी ताकि आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन न रहे। तो एक एक पॉइंट मैंने डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया। ठीक है, टाइगर कंजर्वेशन के बारे में बहुत सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की, जिससे कि सारे टॉपिक्स आप लोगों के क्लियर हो जाए।
तो ये भी पूरा टॉपिक मैंने अच्छे से आप लोग कवर किया, ठीक है। तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में जो नेक्स्ट टॉपिक था, हम लोगों ने यहाँ पर आपदा प्रबंधन पुरस्कार के बारे में बात की, डिजास्टर मैनेजमेंट को कैसे आप लोगों को मैनेज करना है वो भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। तो ये भी बेसिक था जिसके बारे में कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेसिकली इनको लेकर, ठीक है। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर बात की एक जो हिंदू सक्सेशन जो प्रॉपर्टी के बारे में बात की, तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ जाते हैं, तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आज का क्विज है जो कि आप लोग अटेम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इनको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं अच्छे से। कि यहाँ पर बात की जा रही है कौन से मिनिस्टर थे जो कि यहाँ कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा एड्रेस किया गया था इंडिया और यूके के बारे में, ये मैंने आप लोगों से पूछा था। NABI के बारे में आप लोगों को बताना है, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है ऐसे कई बार कैसे इंस्टीट्यूशन के बारे में, ठीक है। इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में यहाँ पर एक्साइज है, इनका नाम बताना है। GTF की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। इसी के साथ में बात करें यहाँ पर कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में, तो यहाँ पर कौन से एक्ट के तहत यहाँ पर बेसिकली टाइगर को कंजर्व करने की बात की जाती है, तो ये आप लोगों को बता रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाते हैं, ठीक है। कितने प्रतिशत हमारी कंट्री में टाइगर की पॉपुलेशन है, इसी के साथ में कौन सी मिनिस्ट्री है, ये आप लोग यहाँ पर बताना है जिस पर्टिकुलर फील्ड में काम करती है। नेक्स्ट यहाँ पर HSA ये क्या है यहाँ पर और यहाँ पर कब का है, ये GIDM के बारे में बताना है। और इसी के साथ में ये तो मैंने क्वेश्चन ही दे दिया, ये तो क्वेश्चन ही था ना आप लोगों के लिए, ये सही है, आंसर ही मिल गया, चलो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन कम हो गया। अच्छा यहाँ तो है, वैसे यहाँ पर ही मुझे बताना था इसको, ठीक है, क्वेश्चन बनाना था मुझे, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन नहीं बना, चलो कोई नहीं, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहे भाई साहब, टेंशन नहीं लिया करते रहे छोरो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 25 जनवरी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे, तो क्विज है यहाँ पर आप लोगों के सामने। तो थीम बतानी थी 25 जनवरी की क्या थी, नेशनल वोटर डे के बारे में बात की थी, तो इसकी थीम आप लोगों को बतानी है। अमर जवान ज्योति स्टेब्लिश कब की गई थी, ये डिस्कस किया था। अमेरिकन जो यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट थे उनका नाम बताना है जिन्होंने ग्रेट रेजिग्नेशन टर्म दी। इसी के साथ में हुतई कम्युनिटी जो है उनका कौन सा मूवमेंट था, ऑपरेशन क्या था यमन से अपने देश के वासियों को निकालने का हमारी कंट्री का, रिपोर्ट जो कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स और इसी के साथ में ग्लोबल कॉम्पिटिशन रिपोर्ट के बारे में आप लोगों को बताना है। स्टेटहुड मिला यहाँ पर मणिपुर और दो राज्य को और बताना है इसके बारे में, ठीक है। आंसर देख लेते हैं यहाँ पर, आजादी का अमृत महोत्सव थी यहाँ पर थीम जो कि यहाँ पर टूरिज्म के बारे में, और इलेक्ट्रोल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी ये थी यहाँ पर इसकी थीम जो कि यहाँ पर आप लोगों से वोटर डे सेलिब्रेट किया था। अमर जवान ज्योति स्टैब्लिश की गई थी 1972 में, इंपॉर्टेंट है याद रखेगा। एंटोनी क्लॉज, ठीक है, तो यहाँ पर यह पर्सनैलिटी जिन्होंने ग्रेट रेजिग्नेशन टर्म दी यहाँ पर। हुतई कम्युनिटी जो है बिलीविंग यूथ ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक मूवमेंट था यहाँ पर यमन के अंदर में। ऑपरेशन राहत हमारे देश के द्वारा चलाया गया था यमन से अपने देश को वासियों को निकालने के लिए, जब यहाँ पर सऊदी अरेबिया ने यहाँ पर यमन के ऊपर अटैक कर दिया था, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो यहाँ पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, इकोनॉमिक ट्रांजिशन इंडेक्स और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, तो ये कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। स्टेटहुड के बारे में बात की थी, मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे यहाँ पर किस किसने साइन किया था, मैंने तीनों डिस्कस किए थे, बताइए देखता हूँ कौन कौन बताता है किस किसने साइन किया था। और मॉर्निंग में कौन कौन उठने वाला है वो बताइए, जो मॉर्निंग में तैयार रहेगा लेक्चर के लिए, लेक्चर का फीडबैक देकर जरूर जाना, और मॉर्निंग में कौन कौन तैयार रहने वाला है वो जरूर बताना 6:30 बजे एग्जैक्ट, अपना जो है बेसिकली पेन और कॉपी लेकर तैयार रहना, देखता हूँ कौन कौन मिलता है। तो मॉर्निंग में मिलता हूँ आप लोगों के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिए, इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, ब्रो को नमस्ते, छोड़ो का प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, PDF जरूर देख लेना जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराई है, वो नैनो मैगजीन की, ओके। और लेक्चर कैसा लगता है, लेंथी है या फिर क्या है, उसके बारे में भी आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, और ध्यान रखें अपनी हेल्थ का, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।